इंसान एक पल को धोखा भी दे दे, लेकिन जानवरों से ऐसी उम्मीद लगाना सरासर नाइंसाफी होगी। क्राइम तक आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा है जिसे आज से पहले ना सुना होगा ना ही देखा होगा। तस्वीरों में आपके सामने काले और सफेद रंग का ये कुत्ता थाईलैंड से है, नाम है पिंग बोंग। अक्सर न्यूज चैनलों पर कुत्ते ने बच्चों को नोच नोच कर मार डालने वाली खबर आपने देखी होगी, लेकिन किसी कुत्ते की वजह से एक नवजात की जान बची हो ये खबर आपने नहीं देखी होगी। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर पूर्वी थाईलैंड के कोरट में 15 मई को पिंग पोंग नाम के कुत्ते को खेत की मिट्टी को खुरचते हुए देखा गया। पिंग पोंग के मालिक उषा निसिका कुत्ते को ऐसा करते देख उसके पास पहुंच गए और उन्हें मिट्टी में नवजात का पैर दिखाई दिया, जिसे देखकर वो दंग रह गए और उन्होंने मिट्टी हटाकर देखा तो उसमें से एक बच्चा निकला, जिसके बाद इस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान ये पता चला कि बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि पुलिस ने उसकी 15 साल की मां को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो स्थानीय लोगों में से कोई भी किसी गर्भवती महिला को नहीं जानता था, लेकिन एक दुकानदार ने बताया कि हाल ही में किशोरी ने बड़ी मात्रा में सैनिटरी टॉवल खरीदा था, तब जाकर कहीं पुलिस किशोरी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाई। 15 साल की किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसने नवजात को इसलिए दफना दिया क्योंकि वो बच्चे के जन्म को छिपाना चाहती थी। उसे डर था कि उसके माता पिता को जब पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को अस्पताल की निगरानी में रखा है और किशोरी के माता पिता ने शिशु की देखभाल की पेशकश की है। किशोरी के माता पिता ने अस्पताल छोड़ने पर बच्चे की देखभाल की पेशकश की है, लेकिन इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। पुलिस और सरकारी कल्याण कर्मचारियों की एक टीम बच्चे की सुरक्षा पर विचार कर रही है। हालांकि पुलिस हत्या की कोशिश के संदेह में किशोरी के मानसिक स्वास्थ्य का पता लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।